नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूं दैनिक राशि फल के साथ। 21 जुलाई 2019 दिन रविवार। सबसे पहले आज के पंचांग पे एक नज़र डालते हैं। परिधावी नाम संवत्सर, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शोभन योग एवं बालवकरण है। राहु काल की बात करते हैं। राहु काल का समय होगा दोपहर 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु काल को निषिद्ध काल शास्त्रों में माना जाता है। राहु काल में किया हुआ कार्य कभी भी आपको शुभ फल नहीं देता है, इसलिए राहु काल में किसी भी तरीके के कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं अभिजित मुहूर्त की। अभिजित मुहूर्त का समय होगा दिन में 11:28 से लेकर और 12:17 तक। जैसा कि आप सभी को पता है, और पता नहीं है तो जान लीजिए, अभिजित मुहूर्त में किया हुआ कार्य लंबे समय तक जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाने का कार्य करता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के ग्रहों की स्थिति पर, किस तरीके की ग्रहों की स्थिति है। शुक्र एवं राहु मिथुन राशि में विराजमान है, वहीं सूर्य बुध एवं मंगल ग्रह कर्क राशि में विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में विराजमान है। शनि एवं केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान है, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, जिसको करके आप बहुत सारा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण का शुभ महीना चल रहा है, पवित्र मास जिसको कहा जाता है, भगवान शिव का बेहतर दिन, उनकी कृपा प्राप्त करने का आसान तरीका, आज रविवार का दिन है, जल में लाल चंदन डालकर भगवान शिव के लिंग पर जाकर चढ़ाएं और मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर और भगवान का इस अभिषेक कर जीवन में मनोवांछित फल आपको प्राप्त होगा। या फिर मृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए अभिषेक करें, जिससे जीवन के समस्त बाधाओं को भगवान शिव नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनका नाम भोलेनाथ है और उनकी कृपा हो गई तो समझ लीजिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। यह जो दैनिक राशि फल है, यह चंद्र कुंडली एवं लग्न पर आधारित है, और जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता नहीं है, वह प्रसिद्ध नाम के आधार पर इसको देख सकते हैं, काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त होगा। आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का आज का दिन शुभ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से बड़ा ही शुभ है। माता पिता का आशीर्वाद आज के दिन आपको प्राप्त होगा, जिससे खुशियाँ कई गुनी आपकी अधिक बढ़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मेहनत करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में काफ़ी हद तक आप सफल रहेंगे। अगर लॉटरी या सट्टे में पैसा लगाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 12:35 के पहले पैसा लगाना चाहिए, बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का समय मिला जुला दिखाई दे रहा है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी लगभग आपका समय शुभ दिखाई दे रहा है। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत है 65%। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। आज के दिन आपके कार्यालय में आपके सहयोगियों का बेहतर सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे खुशियाँ कई गुनी आपकी अधिक बढ़ सकती है। जो लोग नौकरी के तलाश में हैं, उनको आज के दिन थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए, बेहतर रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए उतना ही आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य का आज शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 70%। बात करते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज सबसे पहले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में या फिर दूसरे देश में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही शुभ समय है। उसके अलावा आज के दिन आपके तीर्थ यात्रा का भी बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा करें, अर्थात कहीं पर भगवान शिव का दर्शन करें श्रावण के महीने में, तो बहुत हद तक आपके जीवन में खुशियां प्राप्त होगी। वही भाई बहनों से
आज के दिन आपका जो संबंध पहले से कटुता भरा चला आ रहा था, उससे काफ़ी हद तक आप सुलझाने में आज सक्षम एवं सफल भी होंगे, जिससे खुशियां कई गुनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। किसी नए व्यापार की आज के दिन आपकी योजना बन सकती है, जो सफलता की ओर आपको लेकर जाएगी। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 60%। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज के दिन थोड़ा सा आपके लिए मध्यम दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतना उतना ही आवश्यक है आपके लिए। वहीं पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद अगर आपका पहले से चला रहा है, उससे आज आप काफ़ी हद तक अपने पक्ष में लाने में कामयाब होंगे। वहीं आज के दिन आपके वाणी से लोग काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। विद्यार्थियों के लिए लेकिन आज का दिन थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। किसी भी तरीके के नए व्यापार की योजना आज के दिन आपको नहीं बनाना चाहिए। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 55%। बात करते हैं सिंह राशि वालों का, आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए पति पत्नी के बीच चला आ रहा मन मुटाव आज के दिन, आज आप उससे छुटकारा प्राप्त करके मधुर संबंध स्थापित करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। वही नए व्यापार की योजना बन सकती है, या फिर आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरीके के अनबन की स्थिति जो पहले से बनी हुई थी, उसको आज काफ़ी हद तक मधुर संबंध में बदलने में आप काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। वही नए व्यापार की योजना भी बन सकती है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर रहेगा, जिससे लिया हुआ आज का डिसीजन आपका परफेक्ट होगा। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 80%। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए अगर किसी भी तरीके के लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंसे हैं, तो आज के दिन उससे छुटकारा प्राप्त करने का बड़ा ही शुभ समय है, या फिर रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। लेकिन शत्रुओं से उतना ही सावधान रहने की भी आवश्यकता है, अन्यथा शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, भले वो सफल हो या फिर ना हो। आज के दिन आपके विदेश से किसी शुभ समाचार प्राप्त होने का भी योग दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आज के दिन आपकी लंबी यात्रा, लेकिन वह यात्रा काफ़ी हद तक सार्थक होगी आपके लिए। लेकिन विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। किसी भी नए व्यापार की योजना आज के दिन आपको नहीं बनाना चाहिए। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 60%। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए संतान पक्ष से आ रही समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा प्राप्त करेंगे, और संतान से संबंधित किसी भी तरीके की आज खुशखबरी आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। वहीं बुद्धि एवं चतुराई के बदौलत कई सारे बिगड़ते हुए काम को बनाने में काफ़ी हद तक आप सफल होंगे। आज सोर्स ऑफ इनकम आज के दिन आपका जबरदस्त दिखाई दे रहा है। माता पिता एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी लाभ कई गुनी अधिक बढ़ सकती है। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 70%। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। वहीं विशेष करके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे खुशियां कई गुनी आज आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके अलावा किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने का आपने प्लान बनाया है, या फिर व्हीकल्स वगैरह खरीदने का प्लान बनाया है, वह प्लान आपका काफ़ी हद तक आज सक्सेस होगा। लेकिन कार्यालय में थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना उतना ही आवश्यक है, अन्यथा आपको कार्यालय में किसी भी तरीके के आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 75%। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए आज के दिन छोटे भाई बहनों का प्यार एवं सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। वहीं आज खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से समय बड़ा अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी थोड़ा सा एफर्ट लगाकर आज के दिन बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित यदि किसी बात को लेकर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा ही शुभ समय है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो यह भी आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल होने वाला है। वहीं आपके तीर्थ यात्रा का भी बेहतर योग बन रहा है, इसलिए परिवार के साथ जाएं और भगवान का दर्शन करके जीवन में सफलता अर्जित करें। बहुत हद तक बेहतर समय रहेगा। आज आपका भाग्य प्रतिशत है 65%।
बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन उनके वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा वाणी से आहत होकर किसी भी तरीके का नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित अचानक लाभ का योग आज के दिन बन रहा है, वही कुटुंब का सहयोग भी आपको आज काफ़ी हद तक प्राप्त होगा, जिससे खुशियाँ कई गुनी ज़्यादा बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय आज के दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। यदि किसी भी तरीके का रोग आपके शरीर में है तो आज के दिन ध्यानपूर्वक उसका इलाज करवाना चाहिए, यह काफ़ी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 60%। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। आज के दिन लिया हुआ डिसीजन आपका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और एकदम परफेक्ट डिसीजन होगा। वही पति पत्नी या फिर किसी फ्रेंड्स के साथ अगर आपकी किसी भी तरीके की शिकायत है, उसको आप दूर करने में काफ़ी हद तक आज सफल होंगे। किसी नए व्यापार की योजना भी आज के दिन आपकी बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। वहीं पति पत्नी के बीच भी मधुर संबंध आज के दिन स्थापित होंगे। किसी से प्रेम करते हैं तो आज के दिन इजहार करना चाहिए। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 70%। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन आपको खर्च पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, बहुत बेहतर रहेगा। किसी तरीके की लंबी यात्रा का योग आज के दिन बन सकता है, जिससे कई सारी खुशियाँ आपके जीवन में मिल सकती है। वहीं भी किसी तरीके के लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंसे हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको आज के दिन आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर अधिक बढ़ सकता है। आज के दिन कर्ज लेने या फिर कर्ज देने से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही हितकर सिद्ध होगा। आज के दिन आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 55%। इस तरह से मेष से लेकर मीन राशि वालों तक का राशिफल मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त।